हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। ये है वन प्लस के वायरलेस बुलेट जेड जो कि मैंने ऑर्डर किए थे फ्लिपकार्ट से। तो ये पार्सल आ चुका है, तो चलिए इसका करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं इस वीडियो में आगे कि इसकी फीचर्स क्या है, इसकी बैटरी बैकअप और काफ़ी और चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले टेप निकलते ही आपको दिखेगा उसका बिल। बिल को रखते हैं साइड में और बढ़ते हैं आगे, निकालते हैं अपने बॉक्स को और देखते हैं क्या है। फ्लिपकार्ट की पैकिंग इतनी भी अच्छी नहीं है, बबल रैप का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ कार्डबोर्ड ही है। और बॉक्स के पीछे आपको दिखेगी उसकी MRP जो कि है 2190, और मैंने इसे परचेस किया है 1999 में फ्लिपकार्ट से। उसी के नीचे आपको दिखेगा कंट्री ऑफ ओरिजिन जो कि है चाइना, और यही बॉक्स के पीछे की तरफ ऊपर के साइड में दिए गए हैं कुछ फीचर्स जो कि है रैप चार्जिंग, लॉन्ग बैटरी लाइफ, क्विक स्विच, मैग्नेटिक कंट्रोल और बाकी सब। बढ़ते हैं आगे, निकालते हैं इसका प्लास्टिक श्रिंक रैप और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। प्लास्टिक रैपिंग काफ़ी अच्छी की गई है, काफ़ी टाइट है, निकालने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी बट फाइनली ये निकल चुकी है। और एक फीचर लिखा हुआ था जो कि वो स्टिकर के नीचे दबा हुआ था जो कि है लो लेटेंसी मोड। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और खोलते हैं बॉक्स को। बॉक्स को स्लाइड करते ही आपको दिखेगा ईयरफोन का माउंट सबसे पहले ऊपर, और जैसे ही आप ईयरफोन का माउंट निकालेंगे उसके नीचे आपको और एक बॉक्स दिखेगा छोटा सा जिसके अंदर है एक्सेसरीज और यूज़र मैनुअल सब। जैसे कि आप देख रहे हैं बॉक्स का मटेरियल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हार्ड बोर्ड यूज़ किया गया है ईयरफोन्स को पैक करने के लिए। तो रखते हैं बॉक्स को साइड पे और देखते हैं एक्सेसरीज बॉक्स को। एक तरफ है यूज़र मैनुअल जो कि यूज़र गाइड्स, और दूसरी तरफ है एक्सेसरीज। तो खोलते हैं इस बॉक्स को और देखते हैं क्या निकलता है। एक्सेसरीज की साइड आपको पहले ही देखने मिलेगा एक छोटा सा रेड केबल जो कि है चार्जिंग केबल। उसका टेक्सचर काफ़ी सॉफ्ट है और क्यूट दिख रहा है, जो कि है टाइप ए टू टाइप सी। चार्जिंग केबल के साथ ही आपको दिखेगा और एक पाउच जिसमें रखे हैं ईयरफोन के सिलिकॉन टिप्स जो कि दो पैर और दी गई है, जिसमें से एक पैर आपको मिलेगी लार्ज की और एक पैर आपको मिलेगा स्मॉल, और मीडियम जो है वो ईयरफोन के अंदर पहले से ही लगा हुआ है। सिलिकॉन टिप्स काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल के यूज़ किए गए हैं जिनसे आपके कान को दर्द ना हो। और इसी छोटे से बॉक्स में आपको दूसरी साइड मिल जाएंगे कुछ लिटरेचर्स जो कि है यूज़र मैनुअल, यूज़र गाइड, यूज़र इंस्ट्रक्शंस और एक कार्ड जिस पे लिखा हुआ है रेड केबल क्लब, और उसी के पीछे लिखा हुआ है रेड केबल क्लब की पूरी स्टोरी जो कि मैं थोड़ी देर पढ़ रहा था, लेकिन रखते हैं उसे साइड में। ये हैं ईयरफोन्स के कुछ इंस्ट्रक्शंस जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा है, सब अलग अलग लैंग्वेजेस में दिया गया है, आपको जो भी लैंग्वेज में पसंद हो पढ़ना आप उसमें पढ़ सकते हो। और दूसरी तरफ है ईयरफोन्स के मैनुअल्स जिसमें दिए गए हैं आपके कौन से बटन से क्या होगा, कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे बूटअप करना है, तो आप सब इसमें पढ़ सकते हो। चलिए फिर रखते हैं यूज़र मैनुअल और यूज़र इंस्ट्रक्शन को साइड पे और आते हैं अपने मेन ईयरफोन्स पे। तो चलिए निकालते हैं ईयरफोन को माउंट से और देखते हैं
ईयरफोन को माउंट से निकालते ही पता चलता है कि ईयरफोन्स काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी अच्छे मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं ईयरफोन्स को बनाने के लिए। और वैसे भी बिल्ड क्वालिटी में वन प्लस पहले से ही काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आते हैं हेडफोन्स पे, अगर हम बात करें चार्जिंग कनेक्टर की, तो चार्जिंग कनेक्टर पे डस्ट प्रोटेक्शन नहीं दिया गया हुआ है, जो कि एक डिसएडवांटेज हो सकता है इस ईयरफोन का। बिल्ड क्वालिटी ईयरफोन्स की काफ़ी अच्छी है, क्विक स्विच का बटन अलग दिया गया हुआ है, कंट्रोल्स के बटन अलग है, बिल्ट इन माइक भी प्रोवाइड किया है, सिलिकॉन टिप्स जो कि बहुत सॉफ्ट है, अपने कानों के लिए अच्छी है, और ईयरबड्स के पीछे किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप का लोगो नहीं दिया गया हुआ है, पूरा प्लेन है, उसमें सिर्फ एक राउंड सर्कल जैसा टेक्सचर दिया गया है, और सिर्फ आपको बैटरी पैक पे ही वन प्लस का लोगो या नाम देखने मिलेगा। अगर कोई ये डिवाइस यूज़ कर रहा होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये डिवाइस वन प्लस का है या फिर कोई और कंपनी का है। तो चलिए दोस्तों, इसको करते हैं बूट अप और देख लेते हैं अपने डिवाइस के साथ पेयर करके। डिवाइस स्टार्टअप करने के लिए हमने डिवाइस पे जितने भी बटन्स थे सारे दबा के चेक कर लिए, लेकिन डिवाइस बूट अप नहीं हो रहा था। और फिर ध्यान आया कि इसमें मैग्नेटिक कंट्रोलर्स भी है। तो जैसे ही मैग्नेट कनेक्ट और डिसकनेक्ट किया तो डिवाइस पे एलईडी फ्लैश होने लगी और डिवाइस बूट अप हो गए। अब पता नहीं ये डिवाइस बूट अप मैग्नेटिक कंट्रोल की वजह से हुआ है या फिर बटन्स को प्रेस करने की वजह से। तो पहले आप यूज़र गाइड पढ़ लीजिए, फिर डिवाइस को बूट अप कीजिए, तो आपको भी मालूम चले कि डिवाइस कैसे बूट अप होता है। बूट अप होने पर देख सकते हैं आप, फ़ोन में नाम लिखा हुआ आएगा, वन प्लस बुलेट वायरलेस जेड। देखिए, मैग्नेट कनेक्ट करते ही आपको नाम फ़ोन से निकल जाएगा, डिवाइस चले जाएंगे स्टैंड बाय मोड पे, आप उसको सर्च नहीं कर पाओगे। और जैसे मैग्नेट डिसकनेक्ट करोगे तो आपको स्कैन करने पर दिखेगा कि ईयरफोन्स के नाम आ रहे हैं। तो चलिए कर लेते हैं पैर। और ये डिवाइस हो चुके हैं पैर। जैसे ही आप करोगे मैग्नेट कनेक्ट, आपके डिवाइस चले जाएंगे स्टैंड बाई मोड पे और फ़ोन में आप उसका नाम सर्च नहीं कर पाओगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैग्नेट डिसकनेक्ट होने पर नाम आ रहा है और कनेक्ट होने पर नाम अपने आप चला जाएगा। कनेक्ट किया और नाम चला गया। जैसे डिसकनेक्ट किया, अपने आप पैर हो चुके हैं। तो वन प्लस के हेडफोन्स रखते हैं थोड़ा साइड पे और देखते हैं मीवी, मीवी में क्या है, और कंपेयर करते हैं कि क्या है और क्या नहीं। वायरलेस हेडफोन्स ही है, सब सही है, सिर्फ इसमें मैग्नेटिक कंट्रोल्स नहीं है। डिवाइस स्टार्टअप हो चुके हैं और कनेक्ट करते हैं मैग्नेट। देखिए दोस्तों, मैग्नेट कनेक्ट किया फिर भी एलईडी फ्लैश कर रही है, मीन्स इसमें मैग्नेटिक कंट्रोल्स नहीं है। और ये मीवी के डिवाइस मेरे को सिर्फ 800 में परचेस किया हुआ है, जो कि वन प्लस से काफ़ी सस्ते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इसका क्विक स्विच कैसे काम करता है। तो मैंने पहले से ही दो फ़ोन में अपने ईयरफोन्स को पेयर कर लिए हैं आपको दिखाने के लिए। तो रखते हैं फ़ोन को नीचे और लेते हैं अपने ईयरफोन्स हाथ में। और ये दोस्तों, ये है क्विक स्विच, जिसको आप डबल बार प्रेस करोगे तो ये एक फ़ोन से स्विच होके दूसरे फ़ोन पे अपने आप ही पैर हो जाएगा। देखिए, ये दूसरे फ़ोन में अपने आप पैर हो चुका है। और दोबारा अगर आप इसे डबल प्रेस करोगे तो वो दूसरे फ़ोन से डिसकनेक्ट होके अपने आप ही पहले फ़ोन में पैर हो जाएगा। तो अगर आप एक साथ ही दो फ़ोन यूज़ करते हैं तो ये ईयरफोन्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं, जो कि एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे तुरंत स्विच हो जाएंगे। आपको मैन्युअली डिसकनेक्ट कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डबल बार क्विक स्विच प्रेस किया और फ़ोन चेंज हो जाएगा। तो ये था आज की इस वीडियो में, हम डिटेल में देखेंगे इसके साउंड और इसके बैटरी बैकअप के बारे में अगले वीडियो में।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए इस वीडियो में, और बताइए कि आपको ये ईयरफोन्स कैसे लगे।